अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इज़ा कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ समर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो का पार्ट टू। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ड्रेस मैं दिखा रही हूँ ये भी सफायर का ही है। मुझे सफायर पर्सनली ये ब्रांड बहुत पसंद है। इनके जो कपड़े हैं रिलेटेड टू गर्मियाँ और सर्दियाँ, इनके बहुत अच्छे प्रिंट होते हैं। तकरीबन सब ब्रांड से हट के प्रिंट ये निकालती है अपने। ये मैंने इसकी जो नेक लाइन बनवाई है, ये आप देख सकते हैं, इसकी नेक लाइन वी शेप में है। वो ही चौड़ी पट्टी इनके साथ जो पट्टी आ रही है साइडों पे दिया होता है कपड़ा सेपरेटली ना, काफ़ी ज़्यादा इसका वो मैंने यूँ पट्टी बनवाई है यूँ। आप चाहें तो इसकी जगह लेस भी लगा सकते हैं कोई भी, या ट्राउज़र का कोई भी कपड़ा होता है ट्राउज़र का कपड़ा आप यूँ लगवा सकते हैं। ये देखें यूँ तक गोंचे में, यहाँ से ये सारी इसकी नेक लाइन है। सिंपल सा सूट है, एलिगेंट सा पहना हुआ, बहुत अच्छा लगता है। बाजू इसके मैंने बेल बॉटम में बनवाए हैं, उनके आगे भी मैंने वही वाली पट्टी यूज़ की है। बाकी इसकी सारी शर्ट प्लेन है। ये अलग से पैच था, ये मैंने ट्राउजर पे लगवाया, ये सेपरेट नहीं था, ये शर्ट से ही निकाले गए सारे पैचेस हैं इनके जितने भी हैं ना, ये अलग से पैच लगवाया। ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई है, तकरीबन 38 लेंथ में ये शर्ट है, क्योंकि ये मैंने इसके नीचे बेल बॉटम ट्राउजर बनाया। थ्री पीस सूट है ये, जो बेल बॉटम ट्राउजर बनाया है वो देख लें आप, ये बिल्कुल बेल बॉटम अलग से जो शेप नहीं आती वो वाला नहीं है, ये ऐसे खुला सा है। ये पैच लगवाया है इसके नीचे, ये देखेंगे इसको पहन के आपकी ना आप हाइटेड लगते हो। जब आप ये ड्रेस पहनते हो लॉन्ग शर्ट के नीचे खुला सा ट्राउजर आपका जो आपने वेयर किया हो, तो आप हाइटेड लग रहे होते हो। दुपट्टा भी इसके साथ बहुत प्यारा दुपट्टा जो इसके साथ है, डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन लेके दुपट्टा सफायर ने डिज़ाइन किया, बहुत प्यारा दुपट्टा है। पैन ही लगाया हुआ मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, देख सकते हैं। ये आर्टिकल शायद अभी भी उनके पास पड़ा हो ये वाला। देख रहे हैं कि मैंने लिया था सफायर से, थ्री पीस सूट था ये वाला लेमन कलर में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्मियों में वैसे भी लाइट कलर पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मियों में वैसे भी पैन फॉर्म अच्छी नहीं लगती मेरे, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो गले होते हैं वो इसी फॉर्म में ही होते हैं, मुझे पैन फॉर्म बिल्कुल सूट नहीं करती। और वैसे भी गर्मी है तो गर्मी में बिल्कुल भी बैंड डालना पॉसिबल नहीं होता। ये भी कपड़ा शर्ट से ही निकला था जो मैंने ये लगवाया है, नीचे वाला भी इसका, ये देख सकते हैं आप, इसका गला इस फॉर्म में आ रहा है, ये ऐसे है बिल्कुल जा रहा ना, तो ये जो आप पहनेंगे तो थोड़ा सा कट इसका खुद ही इनहेंस हो जाएगा। बाजू इसके मैंने बिल्कुल प्लेन बनवाए, साथ ही इसका आप देख सकते हैं इसकी ना दामन की डिटेलिंग देखें आप, ये बहुत मज़े की जो साइड से पैच, तकरीबन जितने भी हम लॉन के सूट लेते हैं उनके साइड में पैच होता है जो शर्ट के लास्ट पे हम यूज़ करते हैं लगाने के लिए ना, वो मैंने इस तरह लगवाया। ये चौक्स मेरे यहाँ तक थे लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं, मैंने थोड़ा नीचे शुरू करवाया, ये देखें इधर से टेढ़ी फॉर्म में आ रहे हैं ऐसे, इनकी दामन पे यूं, और ये देखें यहाँ से फोल्डिंग में जाके फिर ऐसे, इसका दामन बहुत प्यारा लगता है इसकी वजह से, एकदम से कि एकदम इनहेंस हो जाता है इसकी वजह से ना। ये इसकी बैग है, इसकी बैग का प्रिंट भी बहुत प्यारा है। ट्राउजर साथ इसके मैंने प्लेन ही बनवाया है क्योंकि ये मैं आम यूज़ करूँगी पहनने के लिए। दुपट्टा साथ इसके बहुत प्यारा है, दुपट्टा इसका कॉटन नेट में दुपट्टा, ये आप प्रिंट देख सकते हैं दुपट्टे का, कलर ही बहुत कूल कलर है गर्मियों में पहनने के लिए। इसके साथ मैंने ये वाले दुपट्टे पे पाइपिंग करवाई, ये मैंने स्टोन डलवा के ना, ये सिंपल वन स्टोन, बहुत हैवी दुपट्टे गर्मियों में नहीं लिए जाते, या आप लाइट से पाइपिंग करवा लें या आप इस तरह की कोई भी पिको करवा लें। चलिए मैं इसकी भी डिटेल वीडियो दिखाती हूँ आपको पहन के इसको। आपको दिखा रही हूँ ये भी सफायर की ही है, कि मैंने रेडीमेड ली थी, रेडी टू वेयर शर्ट है ये, मेरी परसिस्टेंट ने सेम एज ऐसी ही शर्ट खुद बनवाई है बिल्कुल टेलर से, और सेम एज ऐसी ही वो बनी है, तो मैंने कहा मैं भी ये डिज़ाइन भी आपको दिखाऊँ इसका, ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, बैग स्टाइल में ये शर्ट है। ये इसकी जो नेक लाइन है वो बैन में है, बैन लगवाया है, ये पाइपिंग जा रही है इस पर, और ये देख सकते हैं ये नीचे अलग से कपड़ा लगवाया है, ये जो ये सारा कपड़ा जा रहा है ना ये अलग से है, इसकी पट्टी बनवा के यूँ इस फॉर्म में जा रही है, ये तकरीबन आप देख सकते हैं कितनी को नेकलाइन है इसकी,
अंदाजन मेरे ख्याल से ये 1 फुट तकरीबन 12 इंच ये लेंथ होगी। ये जा रही है, ये इस फॉर्म में गला इसका बना है, ये बैगी स्टाइल में शर्ट है, इसलिए इसके बाजू आप देख सकते हैं यहाँ से अलग से कपड़ा आ रहा है, ये इधर से ये बाजू का कपड़ा आ रहा है यहाँ तक ऐसे, और यहाँ तक ऐसे टेढ़ा कपड़ा, आगे ब्लैक कलर का सादा कपड़ा डला हुआ है, इसमें सादा कपड़ा ब्लैक कलर का डाल के ये पाइपिंग लगी हुई है अलग से इसके नीचे। बहुत खुला सा स्टाइल है, ये बैगी होता ही ऐसा है। देखिए जैसे स्ट्रेट शर्ट है इसकी, बाजू की आपको समझ आ रही है इसकी डिटेलिंग कैसे हुई हुई है, यहाँ पे कोई बाजू की कटाई नहीं हुई, वही कपड़ा सेम यहाँ तक आया ऐसे और इस फॉर्म में जा रहा है, ये टेढ़ी सिलाई है। और यहाँ पे भी जो अलग से काला कपड़ा लगाया गया वो भी इस फॉर्म में टेढ़ी करके लगाया, आप सीधा करके लगा लें आप पे है। जो इसका दामन है इसके चौक्स तो बहुत कम होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट लेंथ होती है काफ़ी, तो ये ब्लैक कलर का जो कपड़ा है ना वो यूँ यूज़ हुआ है, इसी यूँ टेढ़ा करके यहाँ से आ रहा है यूँ कपड़ा सीधा सीधा यहाँ से, नीचे का अलग से पैच लगा हुआ है ब्लैक कलर का, नीचे की तरफ नहीं है सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ ये पैच लगा हुआ है, इसी तरह ये साइडों पर यूँ यूज़ हुआ। इसके साथ इसको आप ब्लैक टाइट्स के साथ वेयर कर लो, ब्लैक ट्राउजर के साथ कर लो, या शलवार भी पहन सकते हो उसके साथ, वो भी अच्छी लगेगी, कूल लगेगा बहुत अगर आप शलवार वेयर करते हो तो। इसके बैक पे भी सेम ऐसे ही पैच लगाया हुआ है साइडों पर भी और नीचे भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये शर्ट भी अच्छी लगेगी।